तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बता दूंगा किस तरीके से तुम लोग भी अपना आईडी को अनबैन कर सकते हो। जी हाँ गाइस, जैसे कि तुम सभी लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कौन कौन सा प्रोसेसिंग तुम लोगों को करना पड़ेगा, गरीना की साइड से कौन सा रिप्लाई आएगा, किस तरीके से रिप्लाई तुम लोग लाओगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बता दूंगा कौन सा प्रोसेसिंग तुम लोगों को करना पड़ेगा, साथ ही साथ गरीना की साइड से कैसे रिप्लाई लाओगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर तुम लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज तुम लोगों को मिलेगा एंड तुम लोग भी इजीली अपना फ्री फायर आईडी को अनबैन कर सकते। सो वीडियो को हम लोग सीधा स्टार्ट कर देते हैं एंड उससे पहले तुम लोगों से मेरा एक दिल से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना ताकि आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मिलते रहे। तो गाइज, अगर तुम लोग फ्री फायर आईडी को अनबैन करना चाहते हो तो अभी मैं तुम लोगों को जो बात बताऊंगा ये तुम लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो अभी के टाइम पे बहुत सारे वीडियोस तुम लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ पर बोला जा रहा है इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, ओ कर लो, ओ कर लो, उसके बाद तुम लोगों का आईडी बिल्कुल ही अनबैन हो जाएगा। सो गाइज मैं बता दूँ, ये बिल्कुल ही फेक है, कोई भी ऐप वगैरह नहीं है हमारा फ्री फायर आईडी को अनबैन करने के लिए। सो मैं तुम लोगों को अभी जेन्युइन ट्रिक बताऊँगा जो गरीना फ्री फायर ने ये बात बोलता है, अगर किसी का भी आईडी में कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो हम लोगों के साथ कांटेक्ट क्या करो, गरीना का गाइडलाइन में भी सेम इस चीज का लिखा गया है। अभी तुम लोग कांटेक्ट किस तरीके से करोगे, देखो बात को अभी अच्छी तरीके से समझना, बहुत सारे लोग मेल करते हैं, बहुत सारे लोग हेल्प सेंटर से जाके बात करते हैं बट उनकी साइड से कोई भी रिप्लाई वगैरह नहीं आता है। एंड तुम लोगों को पता है, जो लोग मेरा सब्सक्राइबर हो तुम सभी लोगों को पता है OB36 अपडेट में मैंने बहुत सारे बंदे का आईडी भी अनबैन करवा के दिया। सो किस तरीके से दिया, मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में प्रूफ भी दिखाया, उनके साथ मैंने खुद इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, साथ ही साथ व्हाट्सएप पे भी उनके साथ बात वगैरह हुआ एंड उन लोगों ने मुझे फुल प्रोसेसिंग बताया एंड उन लोगों ने मुझे बोला हाँ भाई आपका वीडियो देख के हमारा आईडी अनबैन हुआ है। सो इस वीडियो में तुम लोगों को अच्छे तरीके से फोकस करना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो गाइस, फास्टफुली फास्ट जो स्टेप होने वाला है ये होने वाला है, तुम लोगों को सिंपल से ये पता लगाना होगा तुम्हारा आईडी परमानेंटली या टेम्पोरली बैंड हुआ है, ठीक है। बहुत सारे वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया किस तरीके से तुम लोग पता लगाओगे, सो अभी मैं तुम लोगों को ये बात नहीं बताऊंगा, अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो मेरा पिछले वीडियो जाके देखो, आई बटन में आ रहा है। एंड दूसरा स्टेप तुम लोगों को कौन सा फॉलो करना चाहिए, उसके बाद तुम लोगों को सीधा चले जाना है हेल्प सेंटर में। अगर हेल्प सेंटर में तुम लोग वहाँ पर जाके नोटिस वगैरह करते हो, ठीक है, उसके बाद तुम लोग एक काम करना, गरीना फ्री फायर का जो ऑफिशियल मेल अकाउंट वहां पर भी तुम लोगों को मेल करना है। एंड अभी के टाइम पे फ्री फायर नहीं है इसलिए उनकी साइड से रिप्लाई तो आएगा बट थोड़ा लेट वगैरह होगा। बट एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, जैसे ही मेल वगैरह करोगे, हेल्प सेंटर से जाके बात करोगे, वो थोड़ा तुम लोग ध्यान से करना, नहीं तो उनकी साइड से कोई भी रिप्लाई वगैरह नहीं आता है। एंड तुम लोग बोलते हो रिप्लाई नहीं आता है, रिप्लाई नहीं आता है, तो भाई ये क्या है, ये तो रिप्लाई है ना भाई। तो मैं तुम लोगों को सिंपल बात बता रहा हूँ, OB36 अपडेट में बहुत सारे बंदे का आईडी अनबैन हुआ है, ठीक है। एंड ये मेरा गारंटी है, अभी के टाइम पे भी बहुत सारा बंदे का आईडी अनबैन हो रहा है बट अपडेट के टाइम कुछ ज़्यादा ही आईडी अनबैन हो। सो तुम लोगों को ये दोनों ट्रिक करने के बाद तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, हेल्प सेंटर से जाके बात करना है एंड साथ ही साथ मेल भी करना है। मेल किस तरीके से करोगे वो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो जैसे ही तुम लोग मेल वगैरह करोगे बट उनकी साइड से कोई भी रिप्लाई वगैरह अभी के टाइम पे नहीं आ रहा है, अगर तुम लोग अच्छी तरीके से मेल करोगे, अच्छी तरीके से हेल्प सेंटर से डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उसके बाद उनकी साइड से रिप्लाई आएगा। रिप्लाई इस तरीके से आएगा। एंड और एक बात तुम लोग ध्यान रखना, जैसे ही मेल वगैरह करोगे तुम लोग यहाँ पर साफ साफ लिखना हम लोगों ने कोई भी थर्ड पार्टी पैनल वगैरह यूज नहीं किया है। एंड अभी के टाइम पे और एक चीज हो रहा है, बहुत सारे लोग तुम लोगों को बोल रहे हैं कि हमें 500 रुपीज दे दो, हम लोग तुम लोगों का आई डी अनबैन करवा के देंगे। सो गाइज मैं बता दूं, ये बिल्कुल ही स्कैम हो रहा है अभी के टाइम पे जो चीज हो रहा है, तुम लोग इसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तुम्हारा 500-200 ऐसा चला जाएगा। सो मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ, मैं पार्सल अपना भी टीम है आईडी अनबैन करने के लिए बट मैंने किसी भी वीडियो में तुम लोगों को ऐसा बात नहीं बोला है कि मुझे 500 दे दो, मैं तुम लोगों का आईडी अनबैन करने दूंगा। सो जहां तक मुझे पता है मेरा काम ही ये बताना तुम लोगों को कि किस तरीके से तुम लोग भी अपना आईडी को अनबैन कर सकते हो। सो अभी हम लोग बात करते हैं किस तरीके से तुम लोग भी हेल्प सेंटर में जाके बात करोगे। सो गाइस देखो, हेल्प सेंटर में जाके जो बात करोगे वो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, तो वो बात मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से तुम लोग भी हेल्प सेंटर में जाके बात करोगे, साथ ही साथ मेल वगैरह करोगे। अगर तुम लोग जानने के लिए इंटरेस्ट हो एंड जानना चाहते हो, आईडी को अनबैन करना चाहते हो, सो मेरा वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल जो है ना उसको सब्सक्राइब करके रखना भाई, तभी तो तुम लोगों को वीडियोस वगैरह मिलेगा एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना। आई होप कि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया किस तरीके से आईडी को अनबैन किया जाता है। एंड उन लोगों ने मुझे और कुछ बात बोली है कि फ्री फायर आईडी को अनबैन किस तरीके से किया जाता है जिनका आईडी OB36 अपडेट में अनबैन हुआ है, ठीक है। तो उनका बात मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, तभी ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आई होप कि तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना एंड इसी के साथ साथ इस वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।